भाभी जी घर पर हैं। हमरा त्वचा ना पूरा काला पड़ गया है। अरे तो हमारे पास एक नुस्खा है, बेसन में शहद मिला के लगा लो। लेकिन शहद जो है वो एकदम असली वाला होना चाहिए, एकदम छत्ते में से ला के वो लगाना। भाभी जी मैं पर्सनली जाऊंगा और आपके लिए मधुमक्खी के छत्ते का असली शहद लेके आऊंगा। हम अपने हाथों से आपके लिए मधुमक्खी के छत्ते से निकाला हुआ शहद लेकर आएंगे। जिन मधुमक्खियों को आप दोनों ने छेड़ा है ना, वो आपके खून की प्यासी हो गई हैं। आप दोनों ने उनके रानी साहिबा को पूरे शहर में निर्वस्त्र घुमा दिया। मैंने विश्वास करती इन सब बातों में। नहीं करना है तो मत कीजिए, आप खुद अपनी आंखों से अंजाम देख लीजिएगा। तुम बताइए कहाँ है मधुमक्खी? हाँ कहीं भी तो ना ही है, हमको भी ना ही दिख रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ भाभी जी, ज्यादा से ज्यादा आप चारों की उन मधुमक्खियों के साथ मीटिंग करवा सकता हूँ, फिर आप लोग उनसे माफी मांग लीजिएगा। मास्टर जी हमने छत्ता फोड़ा है, कोई बम नहीं फोड़ा, ये चोचलेबाजी करते फिर। तो फिर मत करो, अब जो करना है मधुमक्खियां ही करेंगी। साला ये मधुमक्खी एक बार मुझे छू के तो दिखाए, साली को कच्चा चबा जाऊंगा। देखिए रानी जी, देखिए हम सबको माफ कर दीजिए। हाँ हम कभी जिंदगी में शहद का अब इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो क्या अपना रानी साहिबा ने हमें माफ नहीं किया? ये कह रही हैं कि एक शर्त पर माफ करेंगी। कैसी शर्त? शर्त ये है कि विभूति भैया और तिवारी भैया में से किसी एक को बाहर घूमना पड़ेगा, वो भी बिना कपड़ों के। एक काम वाली रख लो, अब तुम उसे कहोगी कि उसकी तनख्वाह कहाँ से आएगी। मेरे पास एक आइडिया है, देखो मैं एक छोटा मोटा काम पकड़ लेता हूँ, तनख्वाह मुझे वहां से मिलेगी, वो तनख्वाह हम दे देंगे काम वाली को। एक अच्छी सी काम वाली तलाशिए जरा हमारी अंगूरी के लिए। भैया एक काम वाली मेरे लिए प्लीज। मैं आपको काम वाली का एजेंट लगता हूँ। अरे नहीं है तो बन जाइए ना काम वाली। यो मनमोहन भिखारी का घर से है। What is your name? ना घर वाली ना बाहर वाली, ना ऊपर वाली ना नीचे वाली, मेरा नाम सब बसंती, काम वाली। संकट की वजह से तुमरे और बैल के बीच में तलाक तक हो सकता है। कुछ उपाय ना ही बताए। बैल को जो है एक ठो काम वाली को तनी छेड़ना है। चलिया 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 रूह चुरा लूं मैं हूं, ऐसी चलिया 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 ओ चलिया। पहले से सकता पहले पहले से रुक जा पहले से। मुझे करना क्या होगा? चिमट्टो तुमको वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगा। चाहिए टूट पड़िए। अगर हमने इसे छेड़ा ना तो ये बवाल खड़ा कर देगी और हम जेल में चले जाएंगे। अंदर जाओ। कच्चे बनियान के बच्चे, छोड़ उसको। आजा बेटा जरा हाथ मिला मुझसे इसी बात पर। कैन आई नो योर गुड नेम? माइशेल बसंती। डोंट गो। अबे ओए अंकल, चलने दो ना, जा चूल्हे बाद में समझे ना। और जाकर वो काम वाली को ना अथांकु भैरी स्मूथ कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच होता पगली। गलत पकड़े हैं, हम थांकु भैरी स्मूथ ही बोल रहे हैं। You don't deserve her. एक मिनट प्लीज। एक काम करते हैं, आप दोनों लठबाजी कर दीजिए, जो जीतेगा पसंती उसकी। डेविड साहब एक बात पूछूं, बुरा ना मानिएगा। नहीं बताइए। ये पिछली बार आपने अपनी शक्ल आईने में कब देखी थी? जरा गौर से देखिए। मेरे ख्याल कम से कम नहीं तो आप बसंती से 35-40 साल बड़े होंगे। बस फॉर योर इंफॉर्मेशन लौटे तू भी सुन ले, बसंती मेरी है। ये बताइए
آپ نے پچھلی بار بغیر ہیلمیٹ کے اپنی شکل کب دیکھی تھی؟ اور اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ بسنتی آپ کی کیسے ہے؟ ڈیوڈ صاحب، میرے چاہت کے حکے میں ابھی بھی جوانی کی کافی آنچ برقرار ہے. کہاں رہے کیا ویبو؟ ابھی تک نہیں آیا. بتاؤ، 11 بج رہے ہیں. تنگ آ گئی ہوں میں اس آدمی سے. شاید تبھی تم نے میرا دامن چھوڑ کر کسی اور کا دامن تھام دیا ہے نا. کیا بول رہے ہو، میں نے تمہارا دامن چھوڑ دیا ہے؟ چاندی کی دیوار نہ توڑی، پیار بھرا دل توڑ دیا. ایک کوری سی لڑکی نے نردھن کا دامن چھوڑ دیا. کیا بکواس کر رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اور یہ تم ایسا گھٹیا الزام کیوں لگا رہے ہو مجھ پر؟ یہ الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. دس از دی ریالٹی. کیا کیا حقیقت ہے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تم نے دیکھا میرے بوائے فرینڈ کو؟ دیکھا ہوتا تو گولی مار دیتا اس کو. اس کا مطلب نہیں دیکھا. اگر نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا چکر نہیں چل رہا ہے. ارے میرا کوئی چکر نہیں چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے. تمہیں بسنتی کے سامنے کس سے آئی لو یو ڈارلنگ سویٹ ہارٹ کر کے باتیں کر رہی تھی؟ انگوری جی معاف کیجیے گا، میرے گھر کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. صرف کچھ لوز کیریکٹر والوں کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے. کیا بات کر رہی ہیں بھابھی جی، آپ ہمیں غلط سمجھ رہی ہیں. میں آپ کو غلط سمجھ رہی ہوں؟ آپ خود غلط انسان ہیں. اس موضوع پہ نا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے. ارے ہاں، شعر سنائیں گی؟ آ عرفان عرفان. انگوری جی وہ ارشاد ہوتا ہے. صحیح پکڑے ہیں، سنائیے. عرض کیا ہے کہ تمہیں گلاب کا پھول سمجھا تھا لیکن تم لوہے کی بیڑیاں نکلے. شیر کی کھال میں اے تیواری جی آپ بھیڑیا نکلے. بڑھیا بڑھیا، قصیر سنائی ہے، مجھے آ گیا. آپ حسین جاؤ، آؤ آؤ جاؤ. ارے دادا، سنگھ نے نا وبھوتی کو اور کچھے بنیان تیواری کو اریسٹ کر لیا ہے، وہ بھی اے ٹی ایم لوٹنے کے جرم میں. زندگی پیار کا گیت ہے، اسے ہر دل کو گانا پڑے گا. زندگی پیار کا گیت ہے، اسے ہر دل کو گانا پڑے گا. श्रावण मास के उत्सव के लिए संपूर्ण वृंदावन वासी लेने जाते हैं ऋतुराज को महावन में. वृंदावन वासियों, इससे पहले कि तुम अवशेष हो जाओ, तुम्हें आज विशेष बना रहा हूँ. तुम्हारा जीवित ही तर्पण करके प्रलयंकारी दावानल ताक लगाए उभरता है महावन में. अब अज्ञात कान्हा किस प्रकार करते हैं वृंदावन वासियों की रक्षा. राजनीति में खेल बदलते देर नहीं लगता. ठाकुर साहब की गैर मौजूदगी में पार्टी चलाने के लिए किसी को तो आगे आना होगा कि नहीं, और हम में से हर कोई ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है. गलती से भी अगर हमारे बाबूजी की गद्दी के बारे में सोचा ना, तो जिस घर में तुम बैठते हो ना, जिस सोफे पे, वो उठा के यहाँ ले आएंगे. समझे तुम? निकलो अब यहाँ से, निकलो. हम तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाए. तुम बहुत अच्छे लग रहे हो.